सिकंदरपुर में धूमधाम के साथ ईश्वर गणगौर पूजा सिकंदरपुर स्थित सीढ़ी घाट पर विसर्जन के साथ संपन्न हुई। पति की लंबी उम्र की कामना को लेकर होलिका दहन के दिन से प्रारंभ गणगौर पूजा का शुक्रवार को पूरे राजस्थानी विधि विधान से मारवाड़ी समुदाय की महिलाओं ने पूजा अर्चना कर गणगौर को विसर्जित किया। इस पर्व को नव विवाहित महिलाओं के साथ कुंवारी लड़कियां भी मनपसंद वर पाने की कामना से करती हैं। विवाहित महिलाएं इस व्रत को अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए करती हैं। इस दिन गणगौर माता को सजा धजा कर पालने में बैठा कर विसर्जित किया जाता है। ठीक है ना, ये ईश्वर गौड़ा मतलब सिर्फ पार्वती के लिए की जाती है। मतलब हम लोग पार्वती जी है ना, मायके आती है, ठीक है, और 16 दिन अपने मायके में पूजा करते हैं, और उसके बाद है ना आज के दिन है ना वो ससुराल में वापस हम लोग स्नान करते हैं, ससुराल चल जाती है। आज मेरा पहला है, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे हम तो इस चीज को लेके कि फर्स्ट है, फर्स्ट ही रहता है, और उसके बाद तो फिर शिव जी और पार्वती जी आते हैं, फर्स्ट है, अच्छा है। हाँ, कैसे पूजा की जाती है? कैसे पूजा की जाती है इनकी तो कैसे, एक मेहंदी से, काजल से, रोली से इनको पूजा किया जाता है, फिर फूल वगैरह चढ़ाया जाता है इन पे, और जो भी लास्ट वाले दिन, आज वाले दिन है ना, फिर बहुत सारे मैरिड वुमेन सब आ जाती है। और क्या मांगे इनसे? भगवान से क्या मांगे? क्या मांगे, बस अच्छे अच्छे जाइए, अच्छे अच्छे से फिर से आइए नेक्स्ट ईयर, और अपना आशीर्वाद हम लोग के ऊपर बना के रखिए, और खुश रहिए आप लोग। तान्या चौधरी घर पे होता है, मम्मी पापा के घर पे, अच्छा लगा करके सबके साथ टाइम स्पेंड करके। किस तरह पूजा अर्चना की है? सुबह पूजा होती है, इसमें गीत गाते हैं, धूप से पूजा करते हैं, फिर शाम को वापस पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं। क्या महत्व है ये सुहागनों का? होता है तो सुहाग के लिए होता है, जिसमें औरतें अपने सुहाग के लिए, अपने बीवी अपने घर वालों के लिए, भाई के लिए, पिता के लिए पूजा याचना करती हैं कि उनको सुख रखे, उनको सुखी रखे, उनके परिवार को आगे बढ़ाए। क्या मांगे भगवान से? भगवान से यही मांगे कि सुखी रहे मेरा जो शादीशुदा जो जीवन है मेरा, वो सुखी रहे, अच्छे से गुजरे, हम दोनों खुशी से जिंदगी गुजारे, मेरा सुहाग हमेशा बना रहे। भाव्या पानी में सटाइए, पानी में नीचे जाओ, नीचे जाओ, जाओ जाओ जाओ, बस बस बस।